दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच कई दिनों से घमासान मचा हुआ है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर यात्रा की इजाजत न मिलने के बाद दिल्ली सरकार केंद्र पर हमलावर हो चुकी है और केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सक्सेना पर लगातार हमला बोला है। प्रस्तावित सिंगापुर यात्रा को खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए ये दावा किया है कि इससे देश और शहर का अपमान हुआ है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है क्योंकि उनका जो सिंगापुर का दौरा था वो निरस्त कर दिया गया, उसको इजाज़त नहीं दी गई और उसी को लेकर कहीं ना कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर भी हमलावर हो गए हैं और केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सक्सेना पर लगातार वो हमला बोल रहे हैं। प्रस्तावित सिंगापुर यात्रा को खारिज होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए ये भी दावा किया है कि इससे देश और शहर दोनों का अपमान हुआ है। दरअसल सिंगापुर की वो यात्रा कर रहे थे लेकिन उनको इजाजत इस यात्रा को लेकर नहीं दी गई। देखो, केजरीवाल साहब ने कहा था, तोमर जो था फर्जी डिग्री में, मैंने उसके कागज देखे, फिर कहा था मैंने सत्येंद्र जैन के कागज देखे, आज कह रहा मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, कट्टर मनीष सिसोदिया साहब कट्टर ईमानदार हैं। तो 140 करोड़ रुपया उन कॉन्ट्रैक्टर के जो नियम बिजली का इसका जो पावर एक्साइज नियम बनाए थे उस नियम के अंदर तय था कि ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों को ठेके नहीं देंगे, तो कट्टर ईमानदार ने वो ठेका क्यों दिलवाया? कट्टर ईमानदार ने 140 करोड़ रुपया क्या रिश्ते क्यों छोड़ दिए? एक ठेके ने जिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से NOC नहीं मिली ठेका खोलने की, ठेका कैसे मिल गया उसको?